नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक के खास पेशकश एमसीडी की राम कहानी को लेकर हाजिर हूं। राजधानी में एक ऐसी घटना हुई है जिसे लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। खासकर सियासी हलके में चर्चा जोरों पर है। आपको याद होगा कि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, राजधानी दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पा रहा है और आम आदमी पार्टी बार बार कहती रही है कि बीजेपी कुछ गुड़ागड़ित कर रही है, गेम प्लान कर रही है। और बीजेपी भी बार बार इस कह करके ये उस बात पर बल दे रही थी कि चाहे हम चुनाव हारें या कुछ हो, मेयर तो हमारा ही होगा। अब इस बात को और ज़्यादा बल मिल रहा है कि भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जो है मेयर अपना बनवाने में सफल हो जाएगी। बावजूद इसके उसके पास 105 सीटें हैं, 135 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हज कमेटी की चेयरमैन एक ऐसी मुस्लिम महिला हुई है और ऐसा ऐतिहासिक है, ऐसा पहली बार हुआ है। 7.5 सालों से आम आदमी पार्टी का शासन है और साफ तौर पर दिल्ली में, और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी पहली बार ऐसा हुआ है कि फरवरी 2023 में अपना हज कमेटी का चेयरमैन नहीं बनवा पाई है। और ऐसे में इस सियासी हलके में ये चर्चा बहुत ही जोरों पर है, हर कोई बातचीत कर रहा है। ये देखिए, हज कमेटी का चेयरमैन बन गया, वो भी बीजेपी का, तो कुछ भी हो सकता है। यानी एक और प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जहां पर अब दिल्ली वर्सेस दिल्ली एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी और लगातार आरोप प्रत्यारोप। लेकिन बीजेपी के लिए यह एक तरह से कह सकते हैं कि उसके मोराल को बढ़ाने वाला है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साफ तौर पर कहा जाता है। और ऐसे में बने रहिए हमारे साथ, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।